वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मैंने मच्छी का सालन बनाया था, यानी मच्छी का खट्टा, आपको पसंद आया होगा। आज मैं बना रही हूँ फिश फ्राई, यानी लाल मच्छी बना रही हूँ। देखिए आपको पसंद आएगा। देखेंगे हम इसमें क्या क्या डलता है। ये गेहूं का आटा है, क्योंकि मसाला अच्छी तरह से लगने के लिए मैं आटा थोड़ा लेती हूँ। आपको चाहिए तो चना का आटा भी ले सकते हैं। मैंने लिया है गेहूं का आटा और ये लाल कलर है, जितना कलर चाहिए आपको। कलर नहीं पसंद तो सिर्फ मिर्ची पाउडर ही डालिए। मैं थोड़ा कलर ले रही हूँ क्योंकि अच्छा लगेगा। और एक किंग मसाला है, आपको चाहिए तो डालिए, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं, यानी इसको निकाल सकते हैं। लेकिन मैं इसमें एक स्पून डालूंगी क्योंकि इसका टेस्ट अलग रहेगा। और इसमें डालता है अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, काली मिर्च, आपको चाहिए तो एक स्पून विनेगर, नहीं तो नींबू तो ज्यादा डलेगा, एक चार नींबू तो डलेगा इसमें, चार नींबू। और ये फिश है, हम लोग इसको अलग मसाला लगाएंगे। और इसमें है गेहूं का आटा और ये लाल कलर। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन, एक टेबलस्पून लहसुन काफी है, हाफ ए टीस्पून अदरक, अदरक कम डालेंगे नहीं तो मच्छी फूट जाएगी। मिर्ची पाउडर आपको जितना तीखा चाहिए इतना। और अब इसमें डालेंगे काली मिर्च, काली मिर्च। और हम डालेंगे इसमें नींबू का रस, आपको चाहिए तो विनेगर भी डाल सकते हैं। मैं एक टीस्पून डालूंगी विनेगर, एक टीस्पून डालूंगी मैं विनेगर, एक टीस्पून, क्योंकि जरा खटाई मेरे शौहर को पसंद है, इसीलिए एक टीस्पून इसको। अब इसमें डालेंगे बारीक नमक, आपको जितना स्वाद अनुसार चाहिए इतना नमक आप डाल लीजिए। आपकी मच्छी कितनी है इतना नमक डलेगा। और हम इसमें डालेंगे किंग मसाला, एक टीस्पून, बस एक। देखिए पहले इतना मसाला है, सिर्फ नाम के लिए डालेंगे, थोड़ा टेस्ट के लिए, अलग टेस्ट के लिए। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम पहले बड़ी फिश को, यानी बड़ी पॉपलेट मच्छी को मसाला लगाएंगे। देखिए आना चाहिए, देखिए अभी मच्छी लगाने के बाद एटलीस्ट 10 या 15 मिनट्स इसको मैरिनेट के लिए, यानी इसको भीगने के लिए, अच्छी तरह से मसाला लगने के लिए रख देंगे। देखिए देखिए इधर कटा हुआ, उसमें सब अच्छा मसाला डालेंगे, अच्छी तरह से मसाला डालेंगे इसको। और इधर भी देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से लग गया है, क्यों हमने इसमें गेहूं का आटा डाला था। आप चाहिए तो आपके पास चना का आटा हो तो भी डाल सकते हैं, मैंने गेहूं का आटा डाला है। देखिए पीसेस बचे हैं, उसको अच्छी तरह से ऐसे ही मसाला लगा लेंगे, जितना मसाला चाहिए, किसी को कम चाहिए किसी को ज्यादा, तो लगा लेंगे इसको अच्छी तरह से। तेल, तवे में तेल मत डालिए, मच्छी चिपक जाएगी। तवे को अच्छी तरह से गर्म करके तेल डालिए। देखिए अभी हमारा तेल गर्म हो रहा है, हमारा तेल गर्म हो चुका है, हम लोग मच्छी अभी फ्राई करेंगे। माशाल्लाह देखिए क्या कलर आया है मच्छी का, आप भी लगाइए ऐसे ही। देखिए हमारी मच्छी इतनी चिपकी नहीं है, अच्छी तरह से इसको रोस्ट कीजिए। थोड़ा थिन फ्लेम को थोड़ा थिन कर दीजिए, नहीं तो मच्छी जल जाएगी।
तैयार है खाने के लिए। हम सर्व कर रहे हैं माशाल्लाह, देखिए हमारी मच्छी खाने के लिए तैयार है। देखिए अब हमारी ये लास्ट फिश है, बड़ी वाली पॉपलेट, हम अब इसको तल रहे हैं। देखिए अच्छी तरह से मसाला लग के मैरिनेट हो चुका है, इसको हम एटलीस्ट एक आधा घंटा रखेंगे मसाला लगने के लिए। देखिए अब हम इसको डालेंगे, तेल तवा गरम है, डाल देंगे। ठंडे तवे पे तेल मत डालिए, तवा गरम कीजिए, बाद में तेल डालिए, फिर बाद में तेल गरम होने के बाद फिर डालिए। ठंडे तवे में तेल डाल के फिर डालेंगे तो मच्छी नीचे लग जाएगी, इसीलिए। देखिए हमारा अभी फिश अच्छी तरह से फ्राई होगा और आराम से निकल जाएगा, नहीं तो वो लग जाएगा तवे को। हमारी मच्छी पक रही है अच्छी तरह से, हम इसको अब आराम से टर्न करेंगे। आराम से देख के कीजिए, बहुत बड़ी फिश है तो आराम से टर्न कीजिए, नहीं तो तेल उड़ेगा, इसीलिए। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह क्या लग रही है हमारी मच्छी, अल्लाह हमारी मच्छी तो मस्त पक्के तैयार है। देखिए अब हम इसको हॉफ कर देंगे। मच्छी को जितना हो सके सिम पे पकाइए। अभी हम हमारी मच्छी को निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह, अच्छी तरह से तेल निकाल लीजिए, थोड़ा दो स्पून इस्तेमाल कीजिए, क्यों बड़ी मच्छी है। अल्लाह देखिए क्या फिश बनी है, मजा ही अलग रहेगा। माशाल्लाह हमारा मच्छी बन के तैयार है और मेरे बच्चे भी मेरे साथ में हैं, मेरे बहन के बच्चे हैं मेरे साथ में, वो भी मच्छी को टेस्ट करके आपको बताएंगे। माशाल्लाह देखिए मेरा गार्डन पीछे से दिख रहा है, बहुत सुंदर है मेरा गार्डन भी। ये मेरा डाइनिंग हॉल है, हम लोग सब मिल के खा रहे हैं। माशाल्लाह अभी खाना शुरू करेंगे, इंशाल्लाह आप भी बना के खाइए, बहुत अच्छा रहेगा। माशाल्लाह देखिए क्या मजेदार, माशाल्लाह देखिए मच्छी बहुत मजेदार है, बहुत अच्छी है। देखिए मेरी बेटी को भी खिला रही हूँ मैं, माशाल्लाह माशाल्लाह मस्त बनी है। आप भी बनाइए खाइए, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। देखिए फिश कितनी अच्छी बनी हुई है, बना के खाइए।
बैठे हैं चाय के लिए, नहीं तो सोडे के लिए। आप भी सोडा पीजिए खाने के बाद। इंशाल्लाह घर पे रहिए, सेफ रहिए और घर भी क्लीन रखिए। चैनल को कमेंट कीजिए और बताइए आपको कौन सी रेसिपी चाहिए। इंशाल्लाह मैं आपकी फरमाइश पूरी करूंगी। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और खुदा हाफिज, और सेफ रहिए, घर में रहिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह सबको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम।